डी लर्नर वेलकम टू द समाध अकेडमी वन स्टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर अकाउंट लाइक जीएसटी टी डी एस आई टी आर एक्सेट्रा टैली टैली प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ ई वे बिल हमने थियोरटिकल पार्ट में ई वे बिल होता क्या है वो डिटेल में डिस्कस किया उसके थियोरटिकल कॉन्सेप्ट को समझा उसके कॉन्सिक्वेंसेज समझा हमने तो इस वीडियो में हम एज अ प्रैक्टिकल के तौर पे लाइव पोर्टल पे ईवे बिल जेनरेट कैसे करना है उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है टैली से आप किस तरीके से ईवे बिल जनरेट कर सकते हो वो चीजें हम यहाँ पे लाइव करके देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले चीज आती है व्हाट इज ई वे बिल यस ये तो हमें पता है बिल e exactly होता क्या ये थियटिकल पार्ट में ही हमने कवर किया है सो ई वे बिल इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल यानी कि जब आपका प्रोडक्ट या फिर आपका गुड्स एक प्लेस से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर मूव होता है ट्रांसफर होता है सप्लाई होता है मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन अगर प्रोडक्ट मूव होता है फॉर द एनी सप्लाई सेल्स और एनीथिंग देन उसके साथ साथ में हमें जो प्रोडक्ट के मूवमेंट के साथ साथ में एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द मूवमेंट रिलेटेड हमें सबमिट करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड बिल

अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड तो डेफिनेटली वो ई वे बिल के बिना प्रोडक्ट को मूव नहीं कर सकता एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसफर नहीं कर सकता तो हमें जैसे कि पहले ही पता है कि ई वे बिल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसफर करने के लिए सिंगल वेल वैल्यू की फिफ्टी थाउजेंड रुपीज लिमिट होनी चाहिए उसी तरह से हमें पता है कि डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है इफ इट इज फिफ्टी किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर तो उस केस में हमें ई वे बिल जे रेज करने की जरूरत नहीं है 50 किलोमीटर यानी कि एक लोकेशन दूसरे लोकेशन 50 किलोमीटर के अंडर में है तो हमें ई वे बिल ऑप्शनल है हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं है बट यूफ यू वॉन्ट टू विश टू रेज अगर आप रेस करना चाहते हो तो बिल्कुल आप रेस कर सकते हो तो इसमें तीन पार्टी होती है वो हमने वो भी जाना है तीन पार्टी होती है सप्लायर एक होता है रिसिपियंट ऑफ गुड्स एक होता है ट्रांसपोर्टर ये तीनों पार्टी जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो आगे हम और भी डिटेल में समझेंगे तो ई वे बिल कैन ऑल्सो बी जनरेटेड और कैंसल्ड थ्रू एस एम एस एंड्रॉइड बाई साइट टू इंडिकेशन थ्रू एपी आई एप्लीकेशन सो कहने का मतलब हो गया, आप पोर्टल पे जाके भी आप इे बिल जनरेट कर सकते हो एस एम एस के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो वेन एन ई वे बिल इज जनरेटेड ए यूनिक ई वे बिल नंबर दी एन इज अलोकेटेड

उस पे वो ई वे बिल नंबर प्रिंट होना चाहिए तो टैली में ई वे बिल कैसे होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम टैली में एंट्री रिकॉर्ड करके देखेंगे और ई वे बिल जनरेट करेंगे सो so उससे पहले समझते रिक्वायरमेंट टू जनरेट ई वे बिल तो ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट क्या क्या ऐसी यहाँ पे पूरा डायग्राम चार्ट के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉज अ मूवमेंट ऑफ ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग रूपीज फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार रुपए के ऊपर अगर कंसाइनमेंट है और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है तो डेफिनेटली हमें जरूरत पड़ेगी लेकिन साथ साथ तो मैंने आपको यह भी बताया था कि फिफ्टी किलोमीटर का भी डिटेल होता है बट 50 किलोमीटर का टर्म्स एंड कंडीशन उस केस में फॉलो नहीं होता है जब आपका आप एग्जांपल एक स्टेट के बॉर्डर पे आपका ऑफिस है या फिर गोडाउन है जो भी लोकेशन है और दूसरे स्टेट के बॉर्डर में आप क्रॉस करके मटेरियल सप्लाई करते हो भले ही वो 50 किलोमीटर के अंदर है तो क्या हो गया उस केस में आपको कंपल्सरी ईवी बिल जनरेट करना है हो सकता है कि आपका एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस करके बस डिलीवरी करने में 20 से 25 किलोमीटर लगता हो दैट इज बिलो 50 किलोमीटर बट इन दैट केस अगर आपने बॉर्डर क्रॉस किया स्टेट का तो डेफिनेटली यू हैव टू रेज ई वे बिल इन रिस्पेक्टिव ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस तो 50,000 इन रिलेशन टू सप्लाई चाहे सप्लाई करो फॉर द रीजन ऑफ अदर देन सप्लाई अदर देन सप्लाई हो सकता है मटेरियल मूवमेंट ट्रांसफर ब्रांच ट्रांसफर जॉब वर्क के लिए ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर आपने ऐसे कोई प्रोडक्ट परचेस किए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो देखो तीन पार्टी जो होती मैंने बताया था एक होता है सप्लायर एक होता है रिसिपियंट एक होता है ट्रांसपोर्टर तो ट्रांसपोर्टर रिसिपियंट सप्लायर ट्रांसपोर्टर को तो डेफिनेटली पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन तो करना ही करना है अगर वो जीएससी रजिस्ट्रेशन है तो वेल एंड गुड अगर जीएससी रजिस्ट्रेशन होल्डर नहीं है तो भी उसको जाके वे बिल में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और एक होता है जो बायर बायर इन द सेंस जो रिसिपियंट ऑफ गुड्स होता है तो अगर उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया तो वेल एंड गुड अगर सप्लायर ने किया तो वेल एंड गुड लेकिन कभी कभी रिसिपियंट होता है अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज करेगा या फिर माल लेगा रिसीव करेगा तो उस केसेस में भी इज बिल की जरूरत पड़ती है तो वो कौन कैसे कब रेज करेगा वो भी डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ मूवमेंट इन द फॉलोइंग दॉलोइंगेज लेट से अगर आपका खुद का व्हीकल है ट्रांसपोर्टर पब्लिक कन्वीनियंस ई वे बिल टू बी जनरेटेड बिफोर कमिंसमेंट ऑफ मूवमेंट यानी कि अगर ये चारों केसेस है तो ई वे बिल आपका तब बनेगा जब आपका प्रोडक्ट आपके गोडाउन से आपके लोकेशन से निकलने वाला है एक्सेप्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन कंसाइनमेंट ऑफिस द ट्रांसपोर्ट ऑफिस कंसाइनी ऑफिस इज टू फिफ्टी किलोमीटर मैंने बताया था फिफ्टी किलोमीटर के नीचे तो जरूरत नहीं बनाने की विद इन सेम स्टेट देन पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड ओके पार्ट बीज वट इज पार्ट बी देर टू पार्ट ऑफ ई वे बिल ई वे बिल की दो पार्ट होते हैं पार्ट ए पार्ट ए में होता है सप्लायर कौन रिसीपियन कौन

टू बी जनरेटेड बाय द अपलोडिंग पार्टी अपडेटिंग पार्ट बी इस केस में आपको पार्ट बी अपडेट करना पड़ेगा यानी कि ट्रांसपोर्टर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर साथ साथ में व्हीकल डिटेल ये सारी चीजें आपको जनरेट करनी पड़ेगी बिफोर और आफ्टर द कमसमेंट ऑफ द मूवमेंट पार्ट ए स्लिप टू बी जनरेटेड बिफोर द कमिस्मेंट दो पार्ट होते हैं पार्ट ए तो डेफिनेटली पहले ही जनरेट होना चाहिए जहां पर डिटेल होगी पार्ट बी जो है डेफिनेटली वो भी फिलअप करना पड़ेगा या तो बिफोर या तो आफ्टर जैसा भी आपको जैसा भी फिजिबल होगा उसके हिसाब से जनरेट करना है तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है प्रोडक्ट की अगर प्रोडक्टमेंट होते हैं तो उस केस में ईवी बिल तो डेफिनेटली लगता है तो मोड्स ऑफ ई बिल जनरेशन आप कैसे कैसे जनरेट कर सकते हो वेबसाइट पे जाके विजिट करके एस एम एपीआई एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बल्क जनरेशन आप मल्टीपल वेज है हम यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू दिखाएंगे कैसे जनरेट कर सकते हो आप वेबसाइट uh, पे जाके कैसे जनरेट कर सकते हो मैं आपको डायरेक्टली पे पोर्टल के थ्रू दिखाने वाला हूँ एपीआई दैट इज कॉल अपना यानी कि आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसका भी इस्तेमाल करते हुए बिल जनरेट कर सकते हो तो मैं दोनों तरह दिखाऊंगा वेबसाइट एंड टैली टैली से आप कैसे जनरेट कर सकते हो वे बिल वो भी हम यहाँ पे देखेंगे हु कैन जनरेट ई वे बिल ई वे बिल जनरेट कौन करेगा सवाल सबसे बड़ा यही है जनरेट कौन करेगा ई वे बिल तो अब सिंपल सी बात करो जहां पे देखो रजिस्टर्ड पार्टी जो है, 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 है यानी कि सप्लायर रजिस्टर्ड है सेलर तो 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 ने बायर को सेल किया तो एनी ऑफ द पार्टी चाहे सेलर करना चाहे ई वे बिल जनरेट चाहे बायर करना चाहे ई वे बिल दोनों में से कोई भी पार्टी ई वे बिल जनरेट कर सकती है और फॉर ट्रांसपोर्टर ऑन ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन मे फिल पार्ट ए ऑफ द फॉर्म ऑल्सो तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया सप्लायर और यहाँ पे बायर तो यहां से प्रोडक्ट को सप्लाई करने में यहां पर रोल आता है तो ट्रांसपोर्ट ये पार्ट ए फिलअप कर देगा दोनों पार्टी में से कोई भी जनरेट कर सकता पार्ट ए फिलअप कर दिया पार्ट ए फिलअप करने के बाद जैसे वो ट्रांसपोर्टर का आईडिया जीएसटी डिटेल एंटर करते हैं तो ट्रांसपोर्टर के पास एक नोटिफिकेशन जाता है उस नोटिफिकेशन में डिटेल होता, होता है कि पार्ट ए जनरेट हुआ व्हीकल नंबर या तो सप्लायर को या तो बायर को नहीं पता होता है व्हीकल नंबर जो पता होता है वो ट्रांसपोर्टर को पता होता है तो पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर डिटेल फिलअप कर सकता है लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर चाहे सेलर या फिर बायर नहीं करना चाहते तो ट्रांसपोर्टर चाहे तो ट्रांसपोर्टर बेस्ड ऑन टैक्स इनवॉइस जो रिसीव हुआ रहेगा सप्लायर से बेस्ड ऑन दैट वो चाहे तो पार्ट ए यानी कि पूरा का पूरा ईवी बिल खुद जनरेट कर सकता है तो कहने का मतलब ये हो गया रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड सेलर रजिस्टर्ट बायर ट्रांसपोर्टर तीनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है ट्रांसपोर्टर तो बहुत ही कम केसेस में करेंगे जहां पे अगर रजिस्टर्ड सेलर और रजिस्टर्ड बायर दोनों नहीं करते हो बोलते कि भाई आप ही कर लो ट्रांसपोर्टर को बोलते भाई आप ही कर लो ईवी बिल जनरेट तो ट्रांसपोर्टर भी ईवी बिल जनरेट कर सकता है इफ द ईवे बिल इज नॉट जनरेटेड बाय रजिस्टर्ड सेलर बाय अ ट्रांसपोर्ट सेल जनरेट फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यू बी जीरो वन यानी कि अगर दोनों नहीं करते तो वो जनरेट कर सकता बेसिस ऑन इनवॉइस या फिर डोबी डिलीवरी चैनल उसके हाथ में मिली हुई है तो कहने का मतलब पहले केस में कहां पे पहले केस में ये हुआ कि दोनों सब पार्टी सप्लायर रिसीवर दोनों अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ट्रांसपोर्टर है तो चाहे सेलर रेज करे ईवे बिल चाहे बायर रेस करे अगर दोनों बोलते हैं कि चलो काम करो ट्रांसपोर्टर आप ही कर लो तो ट्रांसपोर्टर भी चाहे तो वो भी रेज कर सकता है ईवे बिल अब सेकेंड केस में क्या होता है कि जहां पे सप्लायर जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड है अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जो कि एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग बिल बिल लोगों को प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज जब आप EVBIL पोर्टल पे जाते हो तो वहां पे आपको जीएसटी सप्लायर का और बायर का दोनों का एंटर करना पड़ता है साथ साथ में ट्रांसपोर्टर का जीएसटी है तो जी एस टी अगर जीएसटी नहीं है तो ट्रांसपोर्टर आई डी एंटर करना पड़ता है तो लेकिन यहाँ पे सवाल यह आता है कि जब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट यहाँ पे जो बायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो

तो पार्ट ए और पार्ट बी बेस्ड ऑन जो इनवॉइस मिलता है सप्लायर से वो चाहे तो अपने एंड से क्या कर सकता है ई वे बिल जनरेट कर सकता है तो अब ऐसे केसेस में अगर मान लो सप्लायर जनरेट कर रहा है या फिर ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट करता है तो उस केस में सप्लायर का जीएसटी नंबर एंटर किया फाइन बायर का नाम डिटेल डाला था वहां पे बायर का डिटेल के नाम के आगे कि वहां पे उसका जीएसटी नंबर पूछा जाएगा अब जब बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है बायर जब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जीएसटी नंबर क्या एंटर करेंगे तो क्या उसको ब्लैंक ब्लैंक छोड़ोगे तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा वो एक्सेप्ट नहीं नहीं सेव नहीं करेगा तो ऐसे केस में, ऐसे केस केस में में क्या होता है कि जब बायर ऑफ गुड्स अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पे एक, प्री डिफाइंड कोडेड फॉर्म में आपको सिंपल वर्ड लिखना पड़ेगा यू आर पी यू फॉर यूनिवर्सिटी आर फॉर राजस्थान पी फॉर पुणे यू आर पी अनस्टर्ड पार्टी जैसे ही आप ये एंटर करोगे डिटेल सेव कर लेगा यानी कि वो समझ जाएगा कि जीएसटी जो सामने वाला रेसिपियंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो दैट इज इंपॉर्टेंट ये ये प्रॉब्लम्स लोगों को फेस होती है बोलते अरे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्या करना चाहिए तो इनकेस आपको यू टाइप करना है वहां पे ट्रांसपोर्टर ऑन ऑथराइजेशन ऑब्वियसली बात है वो अगर चाहे तो ट्रांसपोर्टर भी रेज कर सकता है बट विद अप्रूवल ऑफ सप्लायर अब थर्ड केस थर्ड केस में क्या हो सकता है पार्टी जो सप्लायर है वो जीएसटी रजिस्टर्ड होल्डर नहीं है तो हमने तो डिस्कस कर लिया है अगर बायर ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो बायर चाहे तो बायर कर सकता है मूवमेंट ऑफ रजिस्टर्ड अगर, बोले, तो, भी है। goods, तो, अगर है, तो वो रेज कर सकता है अगर लेकिन अगर, अगर अप्रूवल देता है रिसीव, तो, तो वो चाहे तो ट्रांसपोर्टर भी जीएसटी सॉरी ई वे बिल जनरेट कर सकता है अब लास्ट केस में क्या हो सकता है अनरजिस्टर्ड सप्लायर अनोन वाला पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है कौन है वो कुछ भी आइडिया नहीं है सप्लाई इज मेड अनरजिस्टर्ड सेलर टू एन अनोन बायर अनरजिस्टर्ड सेलर टू अनरजिस्टर्ड बायर दोनों पार्टी यानी कि इस केसेस में क्या है कि दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और यहां पे दोनों केसेस में भी क्या है दोनों केसेस में सप्लायर का ना जीएसटी पता है ना बाहर का जीएसटी पता है तो ऐसे केस में रिस्पांसिबिलिटी ऑबवियस बात है किसकी बनती है दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर कि वो ईवे बिल जनरेट करे उसको जनरेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान अब एग्जांपल के तौर पे ये समझो कि आपका एक आप शिफ्ट हो रहे हो लेट्स से फ्रॉम मुंबई टू पुणे आप मुंबई से पुणे शिफ्ट हो रहे हो और आपका जितना भी दैट इज हाउस होल्ड इक्विपमेंट से सामान है, uh, आप मूवमेंट कराना चाहते हो मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू तो मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू जो आपका प्रोडक्ट सारा का सारा मूव होगा तो ऐसे केसेस में ईवी बिल कौन जनरेट करेगा बिकॉज आप तो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रहे हो आप जस्ट ट्रांसफर uh, कर रहे हो लोकेशन टू टू अनदर लोकेशन आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है आप सारा का सारा हेडेक ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर अपने हिसाब से ईवी बिल मैनेज करेगा सो कैन जनरेट ई वे बिल तो ये चीज हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है फॉर द पर्पज ऑफ कुरियर एजेंसी एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर कुरियर एजेंसी केस में और इ कॉमर्स ऑपरेटर से फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट की सप्लाई होता है उसके एंड ऑथोराइजेशन विल बी रिसीव फ्रॉम द कंसाइनर यानी कि सप्लायर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ई वे बिल प्रोविजन टू रूल यानी कि ऑथोराइजेशन टू बी रिसीव यानी कि कंसाइनर इस केस में क्या होता है कि जो सप्लायर होता है उसके थ्रू कुरियर एजेंसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो ऑपरेटर होते हैं उनको ये अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम आपके बिहाफ पे क्या करेंगे बिल e रेज करेंगे दैट इज फाइन फाइन ओके फॉर द पर्पज ऑफ रेलवे एंड एयरवेज ई वे बिल टू बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अगर रेलवे से है एयरवे से तो इसमें ऑब्वियसली बता पार्ट ए फिलअप करना पार्ट ए यानी कि सप्लायर रिसीवर एड्रेस लोकेशन पिन कोड डिस्टेंस पार्ट बी ऑफ द फॉर्म मे बी फर्निस बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट पार्ट बी जो है उसमें रेलवे डिटेल रेलवे रेफरेंस नंबर एयरवे रेफरेंस नंबर कार्गो रेफरेंस नंबर पार्ट बी आप पहले भी, आ, फिर बाद भी, भी फिलप कर सकते हो बिफोर मूवमेंट ऑफ और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ गुड्स ई वे बिल इज टू बी प्रोडक्स टाइम ऑफ डिलिवरी वे द गुड्स आर बिंग ट्रांसपोर्टेड बाई रेलवेज ई वे बिल तो डेफिनेटली अगर आपका रेलवे के थ्रू हो रहा है तो आपको ई वे बिल के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा जहां पे आपको डॉक्यूमेंट के साथ ई वे बिल अटैच करके देना है जनरेशन ऑफ ई वे बिल ई वे बिल जनरेट कैसे करते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग इस पार्ट को हम कवर करके प्रैक्टिकल में मूव करने वाले हैं तो प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स पार्ट ए होता है पार्ट बी होता है ई वे बिल का पार्ट ए में डिटेल ऑफ गुड्स कंसाइनर कौन है कंसाइनी कौन है ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है उसका डिटेल क्या है पिन कोड क्या है लोकेशन क्या है डिस्टेंस कितना किलोमीटर है तो पार्ट ए सबमिट होने के बाद पार्ट बी जाता है पार्ट बी में क्या होता है व्हीकल नंबर प्रोडक्ट जो मोटर व्हीकल नंबर क्या है व्हीकल नंबर ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्टर को पता होता है तो उस केसेस में पार्ट बी फिलअप करना है तो जहां पे पार्ट ए फिलअप कर दिया अगर आपको व्हीकल नंबर पता है तो आप पार्ट बी फिलअप कर दो आपका ईवी बिल क्या हो गया जनरेट हो गया सबमिट पार्ट ए विदाउट पार्ट बी या तो फिर आप खाली पार्ट ए फिलअप कर दो पार्ट बी आपको नहीं पता है आपने जनरेट कर दिया पार्ट ए पार्ट ए जनरेट कर दिया स्लिप जनरेट हो गया लेकिन ईवे बिल नहीं बनाया बिकॉज दिस इज नॉट ईवे बिल वैलिड ईवे बिल आपने सिर्फ पार्ट ए अपडेट किया है जब तक पार्ट बी नहीं जनरेट करोगे तब तक क्यू कोड जनरेट नहीं होता है तो ये दिस इज नॉट ईवे बिल बट आपने पार्ट ए फिलअप कर दिया तो ये क्या होता है पार्ट बी जो है ट्रांसपोर्टर या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका मूवमेंट ऑफ आप गुड्स कराएगा वो अपने एंड से फिल करेगा जैसे वो फिल करेगा तो जाके ईवे बिल जनरेट हो जाता है तो फॉर ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर कंसोलिडेटेड बिल बिल वो consolidated, अभी consolidated क्या होता होता है है कि जो होता है, अपने व्हीकल में एक ही पार्टी का सामान लेके जाए ऐसा जरूरी नहीं है वो तीन चार पार्टी का माल या फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकते हो ऐसे केस में वो कॉन्सोलिडेटेड ईवे बिल बनाएंगे यानी कि एक टेम्पो में वो लोग ने पार्टी ए का पार्टी बी का पार्टी सी पार्टी डी चार पार्टी का प्रोडक्ट एक ही ट्रैम्पो एक ही कंसाइनमेंट में लेके जा रहे हैं। तो obviously बात है वो चाहे तो सिंगल सिंगल ईवे बिल बनाए या फिर चाहे तो कंसोलिडेटेड ईवे बिल भी जनरेट कर सकते हैं वैलिडिटी फॉर ईवे बिल ईवे बिल के रूल है कि अगर 100 किलोमीटर तो एक दिन 100 किलोमीटर से एक 100 एडिशनल किलोमीटर हुआ तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलते जाएगा यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका नॉर्मल uh, यानी कि 100 किलोमीटर है तो आपका एक दिन में आपका एक दिन के लिए वैलिड है बिल अगर 100 किलोमीटर और बढ़ गया तो एक दिन और एक दिन और एक दिन और उसके आपसे बढ़ते जाएगा तो कार्गो एंड डायमेंशनल कार्गो ये भी हमने बताया था थाविड जो ड्यूटी होते प्रोडक्ट जिसका हम लोग स्पीड कम होती है तो उस केसेस में क्या होता है कि अप टू ट्वेंटी किलोमीटर ओवर डायमेंशनल कार्गो वन डे ओवर डायमेंशनल कार्गो एडिशनल वन डे यानी कि डायमेंशनल कार्गो वो होते जो हमने ऑलरेडी थियोरिकल पार्ट में कवर किया था कि ऐसे बहुत सारे जो आपने मटेरियल देखा रहेगा बहुत ही लोडेड होते हैं जिसके जो टेम्पो एंड ट्रक होते हैं वो बहुत स्लो चलते हैं बहुत स्लो मतलब उनका जो वेट होता है काफी होता है इसके वजह से उनकी स्पीड काफी कम होती है तो उस केस में क्या होता है अप टू ट्वेंटी किलोमीटर उनको एक दिन का मिलता है एडिशनल ट्वेंटी किलोमीटर के लिए एक एक दिन उनको मिलते जाता है सो so, जस्ट uh, यहाँ पर हमने चीजें कवर कर ली हैं हमने बात कर ली प्रैक्टिकल सब चीजें डिस्कस कर ली सॉरी थियटिकल चीजें डिस्कस कर ली है अब हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल ई वे बिल जनरेट कैसे करना है तो सबसे पहले हम टैली में एक सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद में आपको प्रैक्टिकल लेवल पे वो ई वे बिल आप कैसे इंपोर्ट uh, करना है आपको कैसे अपलोड करना है ई वे बिल पोर्टल पे मैं वो भी दिखाऊंगा तो चलिए हम चलते हैं टैली में तो ये है हमारा टैली हमने टैली में एक आ, सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड की है सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कैसे करते हैं मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स एंट्री सी ये जो हमारा बिल है दैट इज इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू दैट इज गोइंग अबाव फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो ऐसे केसेस में यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी एस ई वे बिल डिटेल हमें फिल करना होता है अब यहाँ पे देख सकते हो ये ई वे बिल नंबर ब्लैंक है बिकॉज अभी तक हमने ई वे बिल जनरेट नहीं किया है ई वे बिल ब्लैंक है डेट ई वे बिल का डेट भी अभी तक आया नहीं है बट जैसे ही वो जनरेट हो जाता है तो हमें ई वे बिल नंबर एंड यहाँ पे डेट मेंशन करना है सो so दैट ये जब मैं इसका टैक्स इनवॉइस का प्रिंट लूँ तो उस पर ई वे बिल भी प्रिंट होकर आ जाए अब प्रोडक्ट जो सप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पे नेचर ऑफ सप्लाई आपको एंटर करना है एग्जीबिशन फॉर फेयर एक्सपोर्ट है फॉर पर्सनल यूज के लिए जॉब वर्क के लिए लाइन ऑफ सेल इज एजेंट के थ्रू अदर रेसिपियंट अनोन बल्क सेल हो रहा है क्वांटिटी सेल कर रहे हो आप लॉट में सेल कर रहे हो या फिर सप्लाई अगर आप नॉर्मल सप्लाई करो तो सप्लाई आप जो डॉक्यूमेंट क्या रेज किया है टैक्स इन्वाइस है डिलीवरी चार्ज आना है बिल ऑफ सप्लाई है द पर्पज एंड डॉक्यूमेंट टाइप यू हैव टू डिफाइन फ्रॉम लोकेशन उनका जीएसटी नंबर डिस्पैच कहां से हो रहा है प्रोडक्ट किस लोकेशन से निकलेगा वहां का पिन कोड बायर कौन है रिसिपेंट कौन है और प्रोडक्ट डिस्पैच कहाँ किया जाएगा दैट इज शिप टू कहा जाएगा वहां का पिन कोड लोकेशन ट्रांसपोर्टर का नाम ट्रांसपोर्टर का नाम अगर आप यहां पे देना चाहो लेट से एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्टर यहां पे ट्रांसपोर्टर का नाम दे दिया मोड आपका रोड के थ्रू होने वाला है डिस्टेंस 80 किलोमीटर आपने जस्ट एग्जांपल के तौर पर एंटर कर दिया हमने व्हीकल नंबर ट्रांसपोर्टर आईडी व्हीकल टाइप ओवर डायमेंशनल कार्गो है या रेगुलर है आपको मालूम है ओवर डायमेंशनल अगर है तो आपको मेंशन करना है दैट इज वो एक दिन के लिए डेज का वैलिड रहेगा रेगुलर है तो रेगुलर डॉक्यूमेंट लॉरी एयरवे बिल रिसिप्ट नंबर है डेट एंड ये डिटेल सारी की सारी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है साथ साथ में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है ट्रांसपोर्टर डिटेल्स ट्रांसपोर्टर का नाम दैट इज आप उनका डिटेल्स ये मेंशन कर सकते हो जिससे नाम यहाँ पे एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्टर ये अगर आपने टैली में लेजर क्रिएट किया है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा उनका डिटेल और ये प्लेस ऑफ चेंज अगर ये प्लेस ऑफ चेंज यानी कि कंसाइनमेंट दो अलग अलग, अलग गाड़ियों से होके गुजरेगा तो कहाँ पे वो चेंज होगा स्टेट क्या होगा उसका चेंज करने का रीजन क्या होगा कभी कभी क्या होता है ब्रेकडाउन हो जाता है गाड़ी में प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वो चेंज किया जाता है तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो विद रीजन के साथ

क्या होता है एक्सपोर्ट होता है अच्छा यहां पे इससे बेनिफिट बेनिफिट क्या हो गया? हो गया गया ये कि सप्लायर का नाम डिटेल जीएसटी नंबर लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिलअप किया हमने टाली के अंदर एड्रेस भी हमने फिलअप किया हुआ है सिमिलरली स्टॉक आइटम का नाम उसका एचएसएन कोड उसका जीएसटी रेट भी हमने बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर ही फीड किया हुआ है रिसिपियंट का डिटेल है बायर का डिटेल है सप्लायर का डिटेल है कहने का मतलब ये हो गया जब यहाँ से टैली से आप ये जेसॉन फाइल एक्सपोर्ट करोगे तो इस जेसॉन में जो भी डिटेल यहाँ पे टैली में आपने डाली है ऑटोमेटिकली वो पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हो आपको पोर्टल पे जाके एक एक एंट्री एंटर करने की जरूरत आपको नहीं है वहां पे आपको कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं एक्सपोर्ट लेटर ऑन करूंगा फिलहाल आप ये देखो यहाँ पे मैं बाहर आ जाता हूं और मैं यहाँ पे करता हूं क्या हूं मैं सिंपल डिस्प्ले स्टैचुटरी रिपोर्ट इज जीएसटी रिपोर्ट में चले जाओ यहां पे आपके पास मिलेगा वे बिल डिटेल रिपोर्ट अगर आपने सारी डिटेल प्रॉपर डाली है अपडेट की है तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स अगर एच एस एन कोड मैं नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो तो यहाँ पे मिसमैच में दिखाई देंगी इनवाइस रेडी फॉर एक्सपोर्ट यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इनवायस कितने एक्सपोर्ट कर दिए हैं अन यूजर एक्सक्लूडेड जिसमें ई बिल की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे मैंने क्या किया एंट्री किया ये वो एंट्री है अब इसमें मुझे क्या कर देना एक्सपोर्ट मैं एक्सपोर्ट करने से पहले अदर रिपोर्ट भी आपको एक्सप्लेन कर दूं अपडेट ई बिल यानी कि अभी तक आपका ई वे बिल आया नहीं तो हमें अपडेट करना पड़ेगा जैसे मेरा ईवी बिल जनरेट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे अपडेट करना है अभी मैंने अपडेट नहीं किया ई e वे बिल रिपोर्ट कितना हमने ई वी बिल जनरेट कर लिया है उसका ई वी बिल नंबर क्या था डिटेल क्या है सारा का सारा यहाँ पे हमें दिखेगा हालांकि अभी तक एक भी ई वी बिल जनरेट नहीं हुआ है तो हमें करना क्या है यहाँ से एक्सपोर्ट करना है चलिए एक्सपोर्ट करके फिर हम उसको पोर्टल पे अपलोड करेंगे हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया इन रेडी फॉर एक्सपोर्ट इसको सेलेक्ट किया यहां से सेलेक्ट करना है ऑप्शन अपने को एक्सपोर्ट रिपोर्ट ईवी बिल फाइल फॉर्मेट जेसॉन हमें एक्सपोर्ट जिस लोकेशन पे करना है वो लोकेशन सेट कर दो और यहां से सेंड ये फाइल फॉर्मेट अपना हो गया एक्सपोर्ट तो यहां पर आ गया अपना ईवी बिल का ये जेसॉन फाइल फॉर्मेट ये जेसॉन को हमें क्या करना है ईवी बिल पोर्टल पे अपलोड करना है चलिए बिल पोर्टल पे चलते हैं और मैं वहाँ पे आपको अपलोड करके दिखाता हूँ और साथ साथ में मैनुअल वे से कैसे आप कर सकते हो अपलोड वो भी आपको दिखाता हूं मैं ये बिल पोर्टल है यहां से आपको करना है लॉग इन लॉग इन से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दू रजिस्ट्रेशन का फील्ड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है अगर आप जीएसटी होल्डर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल e पे आपका रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट है नहीं अगर आप जीएसटी होल्डर हो तो अगर आप ई वे बिल यूज करना चाहते हो तो आपको ई वे बिल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा ई वे बिल फॉर जीएसटी होल्डर ई वे बिल फॉर ट्रांसपोर्टर ई वे बिल फॉर नॉर्मल सिटीजन अगर आप जीएसटी होल्डर हो तो यहाँ से आप जाके ईवी बिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जहां पे आपके डिटेल दैट इज जीएसटी नंबर एंड बाकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है नाम एड्रेस बाय डिफॉल्ट वो आपके पोर्टल पे जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वो कैप्चर हो जाता है वहाँ पे ई मेल आई डी एंड मोबाइल पे आपका ओटीपी आएगा आपको एंटर करना है आपका लॉग इन आई डी पासवर्ड क्रिएट करना है दैट्स इट बहुत सिंपल प्रोसेस है तो हम ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं आएंगे जस्ट एंटर योर जीएसटी नंबर बाई आप सारी सिस्टम आई डी एंड पासवर्ड सिमिलरली आप ट्रांसपोर्टर के लिए भी एनरोलमेंट कर सकते हैं ट्रांसपोर्टर केस में क्या हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर जीएसटी होल्डर हो सकता है जीएसटी होल्डर नहीं भी हो सकता है तो ट्रांसपोर्टर के केस में उनको अपना स्टेट डिफाइन करना है कि वो किस स्टेट के में रजिस्टर्ड है लेट से मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करता हूं उनका पैन नंबर ट्रेड नेम ट्रेड नेम यानी कि बिजनेस का नाम लीगल नेम की बात नहीं हो रही है लीगल नेम यहाँ दैट इज मान ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम है श्री सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट एजेंसी पैन नंबर वैलिडेट करने का ऑप्शन दिया कि यहाँ से वेरीफाई कर लो राइट है कि रॉन्ग है उनका टाइप ऑफ एनरोलमेंट क्या है वेयर हाउस डेपो है गोडाउन है कोल्ड स्टोरेज है ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो यहाँ पे चारों में से जो भी अप्लीकेबल होता है उनको टिक करना है पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस उनका ऑफिस कहाँ पर एड्रेस कहाँ पर है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन द ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर ये प्रॉपर डिटेल एंटर करना है यूजर आई डी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है कैप्चर एंटर करना है ट्रांसपोर्टर का डिटेल यहाँ पे बन गया बट ये ट्रांसपोर्टर ये वो ट्रांसपोर्टर के लिए है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो पहला जो ऑप्शन हमने देखा वहां पे उसे रजिस्टर करना है तो यहाँ पे जैसे एनरोलमेंट करने के बाद एनरोलमेंट कर देते हैं एनरोलमेंट करने के बाद क्या होगा उनको एक ट्रांसपोर्टर आई नंबर असाइन हो जाएगी जो जीएसटी होल्डर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए ट्रांसपोर्टर आई एज ए काम करेगा और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उनका जीएसटी नंबर उनका ट्रांसपोर्टर आई के तौर पे काम करता है तो यहाँ पे ई वे बिल हमने देख लिया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल था यहाँ से चलते हैं लॉग पेज पे यहाँ पे हम लॉग करते हैं तो जो हमने जेसन फाइल एक्सपोर्ट की है टैली से उसी लॉग इन आई पासवर्ड को हम यहाँ पे एंटर करते हैं चलिए मैं यहाँ पे लॉग इन आई पासवर्ड एंटर करता हूँ मैंने यहाँ पे ई वे बिल पोर्टल लॉग कर लिया है सो so, ये ई वे बिल पोर्टल का डैशबोर्ड है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ई वे बिल जनरेटेड बाई मी लास्ट जो पीरियड रहेंगे उसका ई वे बिल कहना कितना कैंसिल कितना किया रिजेक्टेड कितना किया ई वे बिल जनरेटेड अदर पार्टी ऑन माई जीएस कितने लोगों ने मेरे नाम पे ई वे बिल जनरेट किया है ई वे बिल रिजेक्टेड बाई पार्टी ई वे बिल पेंडिंग फॉर पार्ट बी अपडेशन पार्ट बी के लिए यानी कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टर का डिटेल अभी अपडेट करना बाकी है तो ये लास्ट सेवन डे का आपका यहाँ पे जो है दट इज डैशबोर्ड के तौर पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा तो सबसे पहली चीज हमने जो वो जैसा फाइल अपलोड की है वो अपलोड कैसे करेंगे दट इज एक्सपोर्ट की है उसके बाद में सारे डिटेल्स यहाँ पे जो जो चीजें दी हुई है मैं उस पर डिस्कस करूंगा फिर मैनुअल ई बिल कैसे जनरेट कर सकते हो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ई e बिल जनरेट करने के लिए जो टैलिस एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है जनरेट न्यू ई बिल जनरेट न्यू तो जनरेट न्यू में यहाँ पे ऑप्शन है कि आप मैनुअली ये सब डिटेल दो फिल कर सकते हो ये इस पर मैं पार्ट पे आऊंगा मैनुअली यानी कि अगर आप इतना फिलअप करते बैठोगे यानी कि टैली में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो उसके बाद ये भी फिलअप करो तो डबल टास्क होगा इसलिए मैं आपको बताया कि डायरेक्टली टैली में ही आप यहां से क्या कर सकते हो अपडेट कर सकते हो अपडेट यानी कि यहाँ पे जनरेट बल्क जनरेट बल्क में जाना है यहां से चूज फाइल सेलेक्ट करनी है वो फाइल का लोकेशन क्या है जैसे कि फाइल का लोकेशन आया था अपना मैं फाइल का लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर मेरी फाइल है इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये रहा मेरा ई वे बिल हालांकि यहाँ पे ये यह डेमो के तरफ था डेमो मैंने डिटेल डिफाइन किया हुआ तो यहाँ पे लेट्स से अगर ये सारी चीजें प्रॉपर रहेंगी और अपडेट हो जाएगा अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे अपलोड अलर्ट इफ डॉक्यूमेंट नंबर इज प्रीफिक्स विद जीरो और सेवन कैरेक्टर इट विल बी रिमूव्ड अपना वो गलत डाला गलत डाला है और साथ साथ में आईडी है वो एंटर मैंने गलत किया है दैट इज इंटेंशनली मैंने गलत किया है बट लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये सब कुछ राइट रहेगा एरर नहीं आया तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है जनरेट जनरेट करने का मतलब ये हो गया कि मेरा ईवी बिल जो है पार्ट ए है वो फिलअप हो चुका है तो पार्ट ए फिलअप होने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी में फिलअप करना है जहां पे ट्रांसपोर्टर आईडी यानी कि ट्रांसपोर्टर के पार्टी को जो सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा तो इसलिए मैं यहां पे ट्रांसपोर्टर का आईडी डी यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूं अगर मैंने एंटर कर दिया तो बाई डिफॉल्ट ट्रांसपोर्टर को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो क्या करेगा फिर डेफिनेटली जो एक्चुअल जो यूजर नेम आई पासवर्ड है जो इसके ऑनर है उनको मिल करेगा पूछेगा कि आपने ऐसा कोई जनरेट किया है और मैं नहीं चाहता हूँ अपडेट जाए हालांकि कोई, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज उनसे सी मिला हुआ है मुझे तो यहाँ पे आपको जनरेट करने के बाद अपलोड कर दिया अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं रहेगा यहाँ पे एन नहीं दिखाई देगा आपको क्लिक करना है जनरेट हालांकि जनरेट नहीं होगा बिकॉज ये रॉन्ग है यहाँ पे एरर है दैट इज आपने ये गलत डिटेल डिफाइन किया जहाँ पे एच एस कोड रॉन्ग है और आपका पार्टी का ट्रांसपोर्टर का डिटेल रॉन्ग तो मैं यहां से बाहर जाता हूं यानी कि टैली में आपने क्या किया ये डिटेल आपने डिफाइन की थी ऑटोमेटिकली फिर हो जाएगा तो यही चीज मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर यहां पे आप न्यू मैन्युअली क्रिएट करना चाहते हो यानी कि जब आप मैनुअल क्रिएट करने जाओगे तो सारी डिटेल आपको यहां पे मैनुअली फील्ड करनी पड़ेगी इसी ये सारे वही टाइप है आप सप्लाई क्या कर रहे हो आउटवर्ड है इनवर्ड है डिपेंड करता है आउटवर्ड है, है तो आउटवर्ड में सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो जॉब वर्क रिलेटेड है है आपको डिटेल सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपने टैली में फिल किया था वेदर इज टैक्सेबल इन वॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इन वॉइस नंबर लेट से मैं एक नंबर डमी डाल रहा हूँ हालांकि इसको भी मैं सेव नहीं करूंगा ट्रांजेक्शन टाइप नॉर्मल है या फिर बिल टू टू है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है आपको सेलेक्ट करना ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर पार्टी का सप्लायर का नाम एड्रेस पिन कोड पिन कोड में एक डमी तौर पे प्लेस प्लेस दैट इज सॉरी माफ कीजिएगा पिन कोड पे उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो भी डिटेल आ गया है यहाँ पे बिल टू में पार्टी का नाम यहाँ पे मैनुअली एंटर करना पड़ेगा लेट्स से मैं एक पार्टी एंटर कर रहा हूँ एबीसी इंडिया उनका एड्रेस उनका जीएसटी नंबर उनका प्लेस उनका पिन नंबर मैं एंटर करता हूँ टू जीरो माफ का जीएसटी एंटर करना है तो एक काम करते हैं यहाँ पे बायर का एक जीएसटी नंबर एंटर करता हूँ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने बायर का जैसी जीएसटी नंबर एंटर किया बाय डिफॉल्ट एड्रेस एंड पिन कोड उनका यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच होकर आ चुका है स्टेट पिन कोड स्टेट महाराष्ट्र महाराष्ट्र एक ही स्टेट में है अब यहाँ पे एड्रेस डिटेल डिफाइन होने के बाद आइटम डिटेल आप प्रोडक्ट क्या सप्लाई कर रहे हो लेट से अगर सैमसंग मोबाइल uh, आप मोबाइल सप्लाई कर रहे हो डिस्क्रिप्शन क्या है गुड्स एच एस एन कोड यहाँ पे एच एस एन कोड आपका प्रॉपर होना चाहिए मैं यहाँ पे डमी डाल रहा वापस से क्वांटिटी फाइव यूनिट नंबर्स में टोटल वैल्यू दैट से मैं अगर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज सी का रेट कितना है अगर आप डिफाइन करना चाहते हो सी जी एस है तो सी का जो रेट है सी जी एस टी रेट यहाँ पे हो जाता है अपना नाइन परसेंट सॉरी माफ कीजिएगा सेस नहीं है यहाँ पेस नॉट नॉट अप्लीकेबल सी जी एस टी यहाँ पे अमाउंट आ गया एस जी एस टी का अमाउंट आ गया सेस नहीं है अदर अमाउंट अगर कोई इस तरह का मान लो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है फाइव थाउजेंड रुपीज का तो फाइव थाउजेंड रुपीज आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यहाँ पर आपने डिटेल डिफाइन कर दिया है ऑटो कैलकुलेटेड पिन टू पिन इन किलोमीटर कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है इलेवन किलोमीटर तो इस केसेस में आपको पार्ट बी जो है ये ट्रांसपोर्टर का जो डिटेल है ये पार्ट बी कहलाता है पार्ट बी आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है आप यहीं से सबमिट करके प्रीव्यू कर सकते तो मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको मैं सम ऑफ समीड्स मैंडेटरी फॉर जीएसटी तो मैं यहाँ पे ई वी बिल का प्रिव्यू इस तरह से आ जाता है जहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई सप्लाई टैक्स इन वॉइस डिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम बिल टू शिफ्ट टू प्रोडक्ट का नाम डिटेल एच एस एन कोड कितनी वैल्यू थी मोड ट्रांसपोर्ट किया रोड है पार्ट बी में हमने कुछ भी फिलअप नहीं किया बिकॉज यहाँ पे इलेवन किलोमीटर डिस्टेंस पे ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप पार्ट बी भी फिलअप करना चाहते हो तो आपको ट्रांसपोर्टर का नाम एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्टर 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 का आईडी आईडी या तो उसका जीएसटी नंबर या तो उसका आ, कहने का मतलब उसका ट्रांसपोर्टर आई डी आपको यहाँ पे एंटर करना है यहाँ पे आई डी अपने पास नहीं है तो यहाँ पे सी बात है, तुम यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ आपको ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हो रेगुलर तो क्या है वेकल सेवन जो भी एक्सवाइज ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट दैट इज व्हीकल नंबर का डिटेल डाल दिया डॉक्यूमेंट नंबर क्या है दैट इज ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट डिटेल क्या है ये फिलअप करने के बाद आपको प्रिव्यू कर लेते हो प्रीव्यू में सारी डिटेल यहाँ पर अब आपको दिख सकती है यानी कि मैं ये सेव करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं अगर सेव कर दूंगा तो एक्चुअल में जनरेट हो जाएगा हालांकि जनरेट होने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टर आईडी डिटेल कंपलसरी जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल है अगर मान लो तो मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ क्योंकि जैसे मैं एंटर करके इसको सेव कर दूंगा तो बाई डिफॉल्ट ट्रांसपोर्टर को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा तो ये आपका मैनुअल वे है मैनुअल वे में क्या हो गया आपने हर एक फील्ड को मैनुअल वे से एंटर किया तो ये चीज अगर मैनुअली एंटर करने बैठे हो कितना टाइम जाएगा इट इज बेटर कि आप क्या कर सकते हो आप टैली से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके सीधा जनरेट कर सकते हो डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप उसको सबमिट करके आप प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हो प्रीव्यू मतलब प्रिंट ले सकते हो आपका ईवे e बिल जनरेट हो जाएगा तो कोई पुराना ईवे e बिल देखते हैं जहाँ पे हमने जनरेट किया रहेगा ई वी बिल जनरेटेड बाई मी ऐसा यहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं दिख रहा है मैंने लास्ट सेवन डेज में कोई भी ई वी बिल जनरेट नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट में अगर देखते हैं माई ई डब्लू बी रिपोर्ट ई वी बिल रिपोर्ट आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड कितने जनरेट किए हैं मैंने मैं डेट चेंज करता हूँ लेट से अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी तो मई टू थाउजेंड तक मैंने कितने जनरेट किए हैं ओके प्लीज चेक डेट रेंज ओके डेट रेंज अप्रैल टू अप्रैल लेता हूं मैं थर्टी ऑफ अप्रैल एक हफ्ते का ही ड्यू डेट लेगा यहाँ पे एक हफ्ते का ही टाइम लेने वाला है सेवेंथ ऑफ अप्रैल सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ डेट अपना अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सेवेंथ ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी मोर देन फाइव डेज फाइव डेज ओके पहले एक हफ्ते का था शायद ठीक है कोई बात नहीं फाइव डेज का ही लेते हैं यहाँ पे फाइव डेज नो रिकॉर्ड फाउंड ढूंढना पड़ेगा ढूंढते हैं ढूंढते हैं कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा टू डेज मैं इसको एक काम करता हूँ जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे एक बिल e डिटेल मिला है यहाँ पे जो जनरेट हुआ है यह है ई e वे बिल नंबर जनरेट होने के बाद ये ई वे बिल हमें यहाँ पे टैली में जो हमारा एंट्री है वहां पे हमें जाके वो फीड करना पड़ेगा दैट इज डिस्प्ले स्टैचू रिपोर्ट जीएसटी में ई वे बिल अपडेट ई वे बिल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें जाके वो ईवे बिल नंबर एंटर कर देना है ये जो आपका ईवे बिल नंबर जनरेट हुआ है कॉपी एंड पेस्ट ई वे बिल डेट आपने जो जनरेट किया रहेगा उसका डेट भी यहाँ पे आपको एंटर करना ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी ये आपका ईवे बिल जनरेट हो गया है तो यहाँ पे ईवे बिल रिपोर्ट में ये आपका दिखना स्टार्ट हो जाता है कि आपने ये ई वे बिल जनरेट किया है यहाँ पे ई वे बिल डेट टाइम आउटवर्ड सप्लाई सप्लाईस नंबर डॉक्यूमेंट डिटेल अदर पार्टी का डिटेल जीएसटी नंबर ट्रांसपोर्टर का आईडी या डिटेल फ्रॉम जीएसटी नंबर एड्रेस टू जीएसटी नंबर उसका एड्रेस स्टेटस एक्टिव ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाती है यानी कि ये ई वे बिल आपको यहाँ पर हो गया आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में तो ये फाइल आपकी एक्सेल में पूरी की पूरी तरह से यही डिटेल आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा कि आपने किस डेट पे कितना कितना ई वे बिल जनरेट किया ये रिपोर्ट को आप

अपडेट पार्ट बी ऑफ व्हीकल यानी कि जहां बी पे हमने पेंडिंग रखा है अपडेट नहीं किया है उस केस में अपडेट व्हीकल बल्क बल्क इसके केस ऑफ जहां पे ट्रांसपोर्टर के काम आता है चेंज टू मल्टी व्हीकल यानी कि मैंने हमने ये भी देखा था कि अगर एक व्हीकल ब्रेकडाउन की वजह से या फिर इन ट्रांजिट की वजह से अगर दूसरे गुड्स दूसरे व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो एक्सटेंड वैलिडिटी कभी कभी क्या होता है कि एक दिन में कुछ रीजन की वजह से या फिर स्पेसिफाइड लिमिट जो आपकी है पांच सौ किलोमीटर अगर पांच दिन में वो प्रोडक्ट किसी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से कोई नेचुरल कैलॉमिटीज की वजह से या फिर कोई भी वैलिड रीजन की वजह से अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता है तो आप यहाँ से उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो अपडेट ईडब्ल्यू ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर का ट्रांजेक्शन बल्क में अगर कोई ई वे बिल कैंसिल करना है अगर ये ई वे बिल प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट e भी कर सकते। उसको e हम लोग उसको प्रिंट करके देखते हैं कैसे दिखेगा ये ई वे बिल नंबर है मैंने यहाँ पे ई वे बिल नंबर एंटर किया ये है हमारा वे e बिल सी अब आप देख सकते हो ये ई वे बिल जो हमने जनरेट किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई बिल e ये उसका क्यू आर कोड डेट ये ई वे बिल नंबर जनरेटेड बाई किसने जनरेट किया उसका जीएसटी नंबर पार्टी का नाम डेट एंड टाइम कितने डिस्टेंस के लिए जनरेट हुआ है वैलिड अंटिल फिफ्थ बिकॉज ये पांच सौ किलोमीटर के अंडर में है तो ऑब्वियस बात है दो से लेके पांच दिन यानी कि सात जुलाई को प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए पांच दिन का ड्यूरेशन मिलता है यहाँ पे पार्ट ए में देखो सप्लायर का नाम डिटेल जीएसटी उसका लोकेशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है और उसका एच एस एन कोड क्या है आउटवर्ड सप्लाई क्या है उसका ट्रांसपोर्टर का नाम एंड डिटेल पार्ट बी में प्रोडक्ट का दैट व्हीकल डिटेल, व्हीकल नंबर फ्रॉम एंड आपका व्हीकल नंबर क्या था किसने जनरेट किया है और यहाँ पर उसका आ गया बारकोड डिटेल और ये हो जाता है आपका प्रिंट सेम टू सेम ये प्रिंट करना है और आपको उस टैक्स इनवॉइस के साथ में ये अटैच कर देना है ट्रांसपोर्टर को आप हैंडओवर कर दोगे तो यहाँ से आप ये ई वे बिल भी प्रिंट कर सकते हो तो रिपोर्ट आपने देख लिया आपने ये ई वे बिल के अंदर आपने सारे ऑप्शन हालांकि यूज करने के लिए आपको सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सेलेक्टेड ऑप्शन ही यूज करोगे कॉन्सुलटेड जनरेट न्यू हो यहाँ पे कॉन्सुलटेड जैसे कि हमने बताया कि आप मल्टीपल ई वे बिल जनरेट कर सकते हो अगर मान लो दो तीन इनवॉइस आप जनरेट कर रहे हो और दो तीन इनवाइस का एक ही ट्रांसपोर्टर के एक ही माल दैट इज व्हीकल में आपका ईवे बिल जनरेट जाने वाला है तो इस केस में आप एक ही जनरेट कर सकते हो कॉन्सोलेटेटेड जनरेट कर सकते हो जनरेट बल्ब होता है रीजनरेट प्रिंट बिल बिल जैसे आपका सिंगल बिल है है पे अगर आप आपने कोई रिजेक्ट किया आपको कोई रिजेक्ट करना ईवे बिल जो आपने जनरेट किया हो सकता है कुछ पार्टी का एक्सवाइज डिटेल गलत डाल दिया जनरेट होने के बाद आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो या फिर सामने वाली पार्टी ने आपको ई बिल दिया था उसने अपलोड किया जैसे कि सामने वाली पार्टी ने ये अपलोड किया और मैं चाहता हूँ कि ये रिजेक्ट करना है मुझे तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि कितने मेरे जो जनरेट हुए रहेंगे मुझे रिजेक्ट करना तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ तो रिजेक्ट किया हुआ है यहाँ पर आ जाएगा ई वे बिल रिजेक्टेड बाई अदर पार्टी एंड ई वे बिल रिजेक्टेड बाई मी यहाँ पे ई वे बिल रिजेक्टेड बाई मी यहाँ पर दिखाई देगा आपको रिपोर्ट्स में बात करें तो रिपोर्ट्स में क्या क्या ऑप्शन आते हैं अपने पास ई डब्ल्यू बी रिपोर्ट्स आउटवर्ड सप्लाई कितना है इनवर्ड सप्लाई कितना है कितना मैंने जनरेट किया कितना कैंसिल किया रिजेक्टेड ई वे बिल बाय मी असाइन फॉर ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर कितना जनरेट करने वाला है पेंडिंग कितना है पार्ट बी फिलअप करना डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप करना बाकी है ईवे बिल टू बी एक्सपायर कितने आप डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट उसका अदर ईवे बिल रिपोर्ट अदर ईवे बिल रिपोर्ट्स में जनरेटेड बाई अदर्स रिजेक्टेड बाईब यानी कि जो डैशबोर्ड दिख रहे हैं वो यहाँ पे सारे टैप्स ऑप्शन मिलते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी वो है मास्टर रिपोर्ट मास्टर रिपोर्ट यानी कि ये वो मास्टर रिपोर्ट है जहां पे आप चाहो तो हर एक पार्टी का डिटेल मैनुअली फीड करके पहले ही से ही रख सकते हो आप यहां पे पहले से ही अगर फीड करके रख देते हो मास्टर्स की रिपोर्ट तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है बाई डिफॉल्ट वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो और ये मास्टर डिटेल ऑटोमेटिकली वहां से फेच हो जाएगा यानी कि आप यहाँ पे मास्टर्स uh, यानी कि आप माई मास्टर में अगर जाओगे तो जितने मास्टर्स आपने क्रिएटेड किया जैसे टैली में आप लेजर क्रिएट करते हो मास्टर क्रिएट करते हो वो सब चीजें यहाँ पर आपकी भी दिखेंगी आपने कितने मास्टर्स क्रिएट किए हुए हैं अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो क्लाइंट सप्लायर लेट से मैं क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ नो क्लाइंट कोई भी क्रिएटेड नहीं है चलिए मैं क्रिएट करके दिखाता हूं क्रिएट करके देखते पे होता है माय मास्टर्स में यहाँ पे प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हो क्लाइंट क्रिएट कर सकते हो सप्लायर क्रिएट कर सकते हो ट्रांसपोर्टर बल्क अपलोड अभी यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट का नाम उसका यूनिट क्या है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है एच कोड क्या है ये आप क्रिएट करके रख सकते हो आप ये क्रिएट कर दोगे तो इससे होगा क्या कि आपको बारी बारी से बाय डिफॉल्ट ईवे बिल जनरेट करने के टाइम पे वो डिफॉल्ट तौर पे लिस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी आपको मैन्युअली कोई भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिमिलरली जैसे माई मास्टर्स में गए तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्लाइंट सप्लायर ट्रांसपोर्टर सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यूजर मैनेजमेंट क्रिएट सब यूजर फ्री सब यूजर अपडेट सब यूजर चेंज पासवर्ड ये तो ऑब्वियस बात है अगर आप सब यूजर क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो रजिस्ट्रेशन आप एसएमएस के लिए रजिस्टर करना चाहते हो मोबाइल के थ्रू करना चाहते हो जीएसपी यानी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एपीआई एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन यानी कि उसके लिए करना चाहते हो सॉरी कॉमन एनरोलमेंट नॉर्मल एनरोलमेंट है, है अपडेट अपडेट में आपके एनी ट्रांसपोर्टर टैक्स पेयर माई जी एस टी फ्रॉम सीपी ग्रेविनेस किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट्स है कोई किसी तरह का कोई क्वेरीज है प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो तो so, ये हो गया आपका ईवी बिल जरूर पूरा का पूरा डिटेल स्टडी है ये आपका प्रोफाइल यहाँ पे डिटेल्स है यहाँ पे आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चेंज नहीं कर सकते हो चेंज करने के लिए प्रोसेस अलग है तो ये हो गया ईवे बिल जाके अपना कंप्लीट तो ये ई वे बिल में हमने देखा कि ईवे बिल जनरेट कैसे करते हैं आप टैली से भी जनरेट कर सकते हो आप मैनुअल जनरेट कर सकते हो ईवे बिल रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो तो ये प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप करोगे तो और डिटेल में समझ में आएंगी तो प्रैक्टिकल जब आप अपने एंड से करोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएंगी सो इट्स बेटर कि आप अपने एंड से जाके अगर आप एज अ जॉब के तौर पर काम करते हो

ट्रांसपोर्टेड बाई नॉन मोटराइज कन्वेंस गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट एयरपोर्ट कार्गो कॉम्पलेक्स टू इनलेट कंटेनर आईसीडी कस्टम क्लियरेंस यानी कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए की जहाँ पे आपको प्रोडक्ट के मूवमेंट के लिए आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये होता है अपना टॉपिक कंप्लीट ई वे बिल मैनेजमेंट फ्रॉम टैली एंड फ्रॉम मैनुअल वे हाउ कैन यू जनरेट ई वे बिल डायरेक्टली